नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि स्टोक्स मेमोरियल ऐप को चलाने के लिए किन किन परमिशंस को आपने अलाउ करना है और किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको अपने डिवाइस के सेटिंग सेक्शन में जाना है। सेटिंग सेक्शन में जा करके वहाँ पर ऐप्स एंड नोटिफिकेशंस को खोलना है। ऐसा करने के बाद एप्लीकेशंस की एक लिस्ट आपके समक्ष आ जाएगी। उसमें से आपको स्टोक्स मेमोरियल स्कूल एप्लीकेशन को क्लिक करना है। यहाँ पर जितनी भी परमिशंस है आपको उसे अलाउ करना है। ऐसा किस प्रकार करना है? आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस में जाना है और वहाँ पर इस नोटिफिकेशंस के बटन को ऑन कर देना है। इसके बाद ये बाकी के दो बटन भी ऑन होने चाहिए। इसके बाद वापस जाके बैक जाके आपको परमिशंस में जाना है और जितनी भी डिनाइड के नीचे परमिशंस हैं इन सबको आपने अलाउ करना है। कैमरे में जा कर के अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप कर देना है। इसी प्रकार फाइल्स एंड मीडिया, लोकेशन तथा फ़ोन को भी आपने अलाउ करना है। वापस जाके सबसे महत्वपूर्ण जो परमिशन है डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, इसे ऑन करना है। तो इस प्रकार आपको अपने स्टोक्स मेमोरियल स्कूल ऐप के रिगार्डिंग जितनी भी परमिशन है उसको अलाउ करना है, जिसकी वजह से आपकी स्टोक्स मेमोरियल स्कूल ऐप सफलतापूर्वक आपके डिवाइस पर सेटअप हो जाएगी। धन्यवाद।